हाँ जी दिला बंडेश्वर का क्या है? दिला बंडेश्वर एक लिंग का नाम है। तिला काय से बनता है? तिल से। और बंडे किसे कहते हैं? बंडा। अरे कैसी गाय खरीद के लाए हो बंडे? जिसको पूंछ नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? हैं? बंडा, बंडी। और जिसको सींग नहीं होते हैं उसको कहते हैं डूंडी, डूंडा। तो तिला बंडेश्वर कैसा बंडेश्वर है? तिल तिल करके उसने अपनी पूंछ को खलास किया है, इकट्ठा खलास कर दिया, तिल तिल करके खलास कर दिया। तो नाम क्या पड़ा? तिला बंडेश्वर। और बाबा जो आत्मा है ज्ञान में अभी तक नहीं आई है, जो शरीर छोड़ चुकी है, तो फिर क्या वो शरीर धारण करके ज्ञान में आएगी क्या? अब मम्मा बाबा जैसे बच्चे भी तो शरीर छोड़ रख चुके हैं, वो शरीर धारण करके ज्ञान में आएंगे क्या? शरीर छोड़ते समय उनकी बुद्धि में बाप आया था क्या? है तो जन्म लेकर के बाप का वर्षा लेंगे? है? नहीं लेंगे। माने जो आत्मा ज्ञान में आई ही नहीं है बाबा, लौकिक। और जो आत्मा ज्ञान में आई नहीं है वो बेसिक में आ सकती है, एडवांस में तो वो ही आएंगे जो यज्ञ के आदि में ज्ञान में आ चुके थे। और अथवा जो आज देखे जाते हैं ज्ञान में आए ही नहीं और नए नए एडवांस में आ गए, बीके में गए ही नहीं, उसे क्या साबित होता है कि वो आत्माएं यज्ञ के आदि में आ चुकी थी? नहीं तो इतनी पुरानी पुरानी दीदी दादी दादाएं उनकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान नहीं बैठता, और इन नयों की बुद्धि में कहां से बैठ गया? साबित हो जाता है। और बाबा ये वाराणसी है ना? हाँ। वाराणसी में मछली जानवर दिखा दे बाबा। हाँ। दुनिया में जितने मनुष्य हैं कितनी राशियों में बट जाते हैं? 12 राशियों। और सारे ही मनुष्य जो 12 राशियों में दिखाए जाते हैं वो 12 राशियां जानवर में ही दिखाई जाती हैं। अरे कन्या राशि है कि नहीं, उसे जानवर कहेंगे? नहीं। कुंभ माने घड़ा, वो जानवर है क्या? अरे ज्ञान के कलश को कुंभ राशि कहा है। हाँ, इस दुनिया में दिया धर्म हुआ, इस दुनिया में ज्यादातर जानवर जैसे हैं या कन्याओं के स्वभाव संस्कार वाले हैं, है? या ज्ञान कलश को धारण करने वाले हैं कुंभ राशि के? नहीं ना। तो ज्यादातर
जानवर हैं इस दुनिया में, इसलिए राशियां भी ज्यादातर हैं जानवरों की दिखाई गई। और राशि में सूर्य प्रवेश करता है, हाँ राशि में राहु भी प्रवेश करता है, सूर्य प्रवेश करता है। अरे राशियों में शनि भी प्रवेश करता है, अच्छे ते अच्छा, ऊंचे ते ऊंच भी प्रवेश करता है, और नीचे ते नीच भी प्रवेश करता है। कहते हैं ना, इसने हमारी जिंदगी में अच्छे टाइम पर प्रवेश किया। तो पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब है या नहीं है सूर्य के साथ? नहीं। अरे भगवान बाप कहते हैं, गीता में भी लिखा है, जब मैं आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान सुनाता हूँ? सूर्य को सुनाता हूँ। तो जिसको ज्ञान सुनाता हूँ उसने राजयोग सीखा होगा ना। सबसे जास्ती ज्ञान योग ज्ञान धारण किया होगा, ज्ञान की रोशनी धारण की होगी या कम धारण की होगी? है सबसे जास्ती ज्ञान की रोशनी धारण की होगी। और जिसने बहुत ईश्वर का ज्ञान धारण किया है और वो किसी के जीवन में साथी बन जाए तो उसका भला होगा या बुरा होगा? भला होगा। तो कह देते हैं सूर्य राशि में आ गया। फिर कह देते हैं राहु की राशि, माने कोई बहुत प्रचंड है जो एकदम सत्यानाश कर देता है, बुद्धिवादी है। राहु का सिर्फ सर दिखाया जाता है कि धड़ भी दिखाते हैं, इसे साबित होता है बुद्धि का अहंकार बहुत है। जिसके जीवन में भी साथी बनेगा अपनी बुद्धि के अहंकार से उसका सत्यानाश कर देगा। हाँ जी बोलो। कौन? हाँ जितने भी हैं इस दुनिया में, एक है सूक्ष्म सूर्य और एक है स्थूल सूर्य। सूक्ष्म ज्ञान सूर्य है शिव, और स्थूल कौन है? है जिसको पहले पहले ज्ञान मिला तो अंतर पड़ जाता है। हाँ जी संगम संसार है, सौ साल का है। वो करीब में कितना साल है, सती में कितना साल, करीब में कितना साल है, सती में कितना साल है? कलयुग में 1250 वर्ष, जिसमें से 1936 से लेकर 2018 तक कितने वर्ष हुए? उन्नीस सौ छत्तीस से लेकर 2018 तक कितने वर्ष हुए? है अरे 65 और 18 जोड़ दो, 82 ईयर्स हुए। 82 ईयर्स कलयुग है या सतयुग है? है कलयुग है, पक्का सतयुग नहीं कहेंगे। हाँ जो सुखी है वो कहते हैं हम स्वर्ग में हैं, लेकिन बीमार तो पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं? बीमार पड़ते हैं तो गरीबों से जास्ती खर्च करते हैं कि कम खर्च होता है? जिंदगी की कमाई सारी बीमारी में चली जाती है।
तो दुख होता है या नहीं होता है? तो नरक में है या स्वर्ग में है? समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। दूसरी बात, दुख का समय लंबा होता है या सुख का समय लंबा होता है? है दुख का समय लंबा होता है, यही रीति है इस समय की। गीत बनाए हुए हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, लाख बिताएं तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीति, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो ये जो 82 साल हैं, ये लंबा समय हुआ या थोड़ा समय हुआ? बहुत लंबा समय हो जाता है। ब्राह्मण बच्चों के दिल में आता है, अरे ये कब तक संगम चलेगा, कब स्वर्ग स्थापन होगा, कब नई दुनिया आएगी। तो लंबा समय है ना, और उसके बाद जो नई दुनिया की राजधानी स्थापन होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है या थोड़े समय है? थोड़ा समय है, लेकिन ये शूटिंग पीरियड का थोड़ा समय वहां का लंबा समय बन जाता है। नहीं तो कलयुग में से 50 वर्ष और 1250 वर्ष के सतयुग में से भी 50 वर्ष, दोनों मिलाकर 100 साल संगम के होना चाहिए। 100 साल संगम के तो हैं, लेकिन दुख का समय लंबा है। जो राजधानी स्थापन होगी वो थोड़ों के लिए पहले स्थापन होगी कि हुजूम के लिए स्थापन हो जाएगी? थोड़ों के लिए स्थापन होगी, बाकी तो दुख में ही अनुभव करेंगे कि सुख में आ जाएंगे? दुख में ही अनुभव करेंगे। और सच्चों में श्रेष्ठ इंद्र द्वारा संतान उत्पत्ति है बाबा? 33 सच्चों में? हाँ, श्रेष्ठ इंद्र द्वारा संतान उत्पत्ति है। काई के द्वारा? श्रेष्ठ इंद्रिया द्वारा। हाँ जी, ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। हाँ, और कर्मेंद्रियां हैं वो भ्रष्ट इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियों से कर्म करना बड़ी बात या बुद्धि योग बड़ी बात है? बुद्धि योग बड़ी बात, और बुद्धि से सीधा कनेक्शन ज्ञान इंद्रियों का होता है या कर्म इंद्रियों का होता है? ज्ञान इंद्रियों का होता है। इसलिए ज्ञान इंद्रियां ऊंची 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 स्टेज पर हैं और कर्म इंद्रियां नीचे स्टेज पर हैं। हाँ, आत्मा जब शरीर छोड़ता है ना है? तो ले जाके जो है कब्रिस्तान में जला देता है, है? और मुस्लिम लोग क्रिश्चियन लोग समाधि करता है, है? इसके एक कैसे होता है ये शरीर? अपन सब पूरी आत्मा है ना, सब लोग शरीर को धारण करते है ना, है? फिर इसमें ये धर्म में कैसे अंतर हो गया इसका अर्थ? अरे गीता में अच्छा पहले वो अच्छा ये अच्छा है। गीता में पहले ही श्लोक में लिखा है धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र, अनेक धर्मों के युद्ध क्षेत्र में
खूनों ने ले जाके द्वापर में डाल दिया। महाभारत युद्ध कहाँ डाल दिया? द्वापर में डाल दिया। है कहाँ की बात? कलयुग के अंत की बात है, युद्ध आदि यह सतयुग की बात है, है? कलयुग के अंत की बात है। कलयुग के अंत में अब भारतवर्ष में ऐसी स्थिति हो गई है, अनेक भाषाओं के आधार पर झगड़े बहुत हैं, अनेक राज्यों में बट गए हैं। देखो आंध्र में क्या हुआ है, झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? झगड़ा ही झगड़ा। राज्यों के बंटवारे को लेकर बहुत झगड़ा, नदियों के पानी को लेकर के बहुत झगड़ा, जातियों के आधार पर बहुत झगड़े। आज की जो गवर्नमेंट बनती है, जातियों का आधार लेकर के गवर्नमेंट बन जाती है, या जातियों का आधार नहीं लेते हैं, है? जातियों का आधार ले रहे। तो अनेक बातें ऐसी हैं जो दूसरे देशों में नहीं है। दूसरे देशों में इतनी राजनीतिक पार्टियां नहीं होती हैं, और भारत में ढेर की ढेर राजनीतिक पार्टियां, और आपस में एक दूसरे के प्रति मुड़ फुट टोल। इतनी ही बातें नहीं है, ढेर की ढेर ऐसी बातें हैं जो आपस में भी द्वेष फैला रही है मनुष्यों में, आग सुलग रही है मनुष्यों के अंदर, गरीब अमीर का भेद बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारी सरकार प्रयत्न करती है गरीब न रहे, गरीबी खत्म हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल में हो क्या रहा है? गरीब और ही गरीब बनते जाते हैं, और साहूकार टाटा बिरला जैसे और ही साहूकार बनते जाते हैं। तो भारत के मनुष्यों के अंदर आग नहीं लग रही है, चिंगारी अंदर अंदर धधक नहीं रही है। इसलिए बाबा कहते हैं महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। कभी भी आग भड़क सकती है। ये भारत ही खंड ऐसा है, और उसकी राजधानी दिल्ली ही एक दुनिया में ऐसी राजधानी है जहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में और धर्म के लोग भरे पड़े हैं। नहीं तो विदेशों में हर धर्म के लोग नहीं देखे जाएंगे बराबर तादाद में, और यहां गिरजाघर भी बहुत, तो मस्जिदें भी बहुत, और मंदिर भी बहुत, और गुरुद्वारे भी बहुत। तो उनके जो कर्म कांड हैं, जो गुरुओं ने बनाए हैं, मनुष्य गुरुओं ने, वो कर्म कांड अलग अलग हैं कि एक ही है? अलग अलग जो कर्म कांड हैं, वो एक दूसरे में नफरत फैला रहे हैं। सबकी मान्यता है हमारा कर्म कांड सच्चा, तुम्हारा कर्म कांड झूठा। तो कर्म क्षेत्र, ये कर्मों का युद्ध क्षेत्र है जो मुसलमान जमीन में गाड़ते हैं,
और हिंदू जलाते हैं। किसी को पता नहीं है इन परंपराओं का फाउंडेशन कहां पड़ता है। अभी बाप आए हैं बताते हैं, ये जो 5000 वर्ष का ड्रामा है इसमें जो कुछ भी होता है इसकी रिहर्सल संगम युग के 100 सालों में होती है। संगम युग में जिन पक्के भारतवासियों ने अपने देवहन को जलाया है, भस्म कर दिया है, भक्ति मार्ग में उनका अनुसरण करते हैं भक्त लोग, क्या करते हैं देह को जलाते हैं। और जो और धर्म वाले हैं वो जलाते नहीं है, देवान को पूरा जलाते हैं कि देवान रह जाता है, रह जाता है। देवान की मिट्टी में गढ़े रहते हैं, उनका देवान खलास ही नहीं होता है, भले भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाता है। तो भक्ति मार्ग में उनके धर्म में क्या करते हैं, क्या कर्म कांड करते हैं मरने के बाद? गाड़ के रहते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, देह अभिमानी की मिट्टी में मिलाई देते हैं। तो रहस्य कहाँ है? है ही राज विद्या राज गुह्यम, गुह्यते गुह्य राज, भगवान आकर के बताते हैं हर धर्म के बारे में। उन धर्मों में चले रहे चलने वाले कर्म कांडों के बारे में भगवान आकर के असलियत बताते हैं। और बाबा अपन द्वापर के बाद भिन्न भिन्न धर्म में आत्मा जन्म लेती है ना, फिर वापस कैसे आ जाते हैं? आत्मा को कैसे पहचान होते है हम अगर भिन्न धर्म में जाते हैं ना बाबा? हाँ, जाते हैं, फिर वापस आना इतना दुख रहता ना, फिर कैसे आएगी वो इस्लाम धर्म से वापस आना, फिर जन्म लेके फिर ओहो। जो जहाँ से आया है वहाँ वापस जाएगा या नहीं जाएगा? आप अपने घर से आए हैं, कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे ना। दुनिया का यही क्रम है, एक एक अणु का, एक एक आत्मा का यही क्रम है, जहाँ से आई है वहीं उसे वापस जाना। हम सब कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं, तो वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। और परम धाम में भी उसी ऊंची या नीची या दाईं ओर की बाईं ओर की कुर्सी पर जाएंगे जहां कल्प कल्प जाते रहे थे। फिर आत्मा को टचिंग होते रहेगा क्या बाबा? अपन ये धर्म के नहीं करके वो द्वापर को, ये आत्मा रिकॉर्ड है या नहीं है? और ये आत्मा अविनाशी रिकॉर्ड है या विनाशी रिकॉर्ड है? वो रिकॉर्ड तो विनाश हो जाते हैं, जमीन में पटक दो टूट जाएंगे, और ये रिकॉर्ड है गीता में बताया है, अच्छेद्यो अयम अक्लेद्यो अयम, ये न जला न आत्मा जल सकती है, न भिगोई जा सकती है, न काटी जा सकती है, ये तो अविनाशी है। तो इसका पार्ट भी 5000 वर्ष का पार्ट हर एक आत्मा में भरा हुआ है, सारे कल्प का पार्ट भरा हुआ है। जो पार्ट भरा हुआ है वही बजेगा या दूसरा बजेगा? वही बजेगा। जिनको देवता बनना है, देवता से हिंदू बनना है, हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना है, वो फिर वापस आएंगे या नहीं आएंगे? उनको आना ही है वापस। फिर आकर के ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, फिर वो ही क्रम चलता है।
ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें एक सेकंड का भी चेंज नहीं हो सकता। और बाबा बाबा सूर्य वंशी बच्चों का आत्मा शरीर में रहकर केवल मन बुद्धि से परंधाम जाके आता है क्या? हाँ, मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहते हैं। मगर आत्मा पूरे ऊपर जाके, अरे मन बुद्धि आत्मा नहीं है, आत्मा है, है? आत्मा, आत्मा तो है, लेकिन जो आत्मा है वो अपने पूर्व जन्म के अच्छे बुरे संस्कारों को योग बल से यही दग्ध कर देती है कि परम धाम में ले जाती है, है? मन बुद्धि और संस्कार इन तीनों का मेल आत्मा में है, तो वो आत्मा जो मन बुद्धि वाली है संस्कार वाली है वो संस्कार नहीं ले जाएगी परम धाम में, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा तो परम धाम जाएगी, नहीं जाएगी? नहीं। जाती है, सबक ही नहीं जाती है। क्या जिन्होंने बुद्धियों का अभ्यास किया है, बाप की बात पर विश्वास किया है, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी ये प्रैक्टिस की है, ये अभ्यास किया है, जो गीता में भी बताया है कि मन को कैसे कंट्रोल करें, ये तो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ जाता है, गड्ढे में गिरा देता है। तो क्या बताया? अभ्यास नितों को उनते यह वैराग्य न चग रही थे, बार बार अभ्यास करना है और साधारण अभ्यास नहीं करना है सन्यासियों को मुआफिक, कि स्त्री से दूर हो गए, जंगल में चले गए और समझते हमने विकारों को जीत लिया, हम काम जीत बन गए, लड्डू बन गए। कोई 10 साल जेल में रहे और 10 साल जेल में से आने के बाद ढींग मारे, मैंने 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो किया या मजबूरी हुई? ये तो मजबूरी हो गई। तो ये राजयोग है, राजयोग का मतलब है कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय, और कर्म इंद्रियों पर विजय दूरबाज खुशबाज होकर के नहीं, क्या कर्म इंद्रियों पर विजय शिवशंकर भोलेनाथ ने पाई थी, इसलिए आज भी गायन है काशी विश्वनाथ गंगे, क्या काश्य, काश्य माने योग बल का तेज, उस योग बल के तेज के आधार पर इंद्रियों को जीता, वो इंद्रियों को जीतने की यादगार सबसे जास्ती हरकत करने वाली कौन सी इंद्रिय है? काम इंद्रिय, उसी मुखिया को कंट्रोल कर लिया, वो यादगार शिव के मंदिर में दिखाई गई है, क्या दिखाया है? शिवलिंग, लिंग जो है वो स्त्री योनि में रखा हुआ है, विजयी है या हार खाने वाला है? क्या पहचान? पवित्रता की पूजा, पहचान क्या है कि ये पवित्र है ये पवित्र नहीं है? सामान्य मनुष्य भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं तो ऐसे करने से पवित्र हो जाते हैं, फिर पहचान क्या है? हाँ, और मनुष्यों की शक्ति छीण हो जाती है, स्त्री पुरुषों की शक्ति छीण होती है, और वो राजयोगी ऐसे दिखाए गए हैं मंदिर में स्त्री पुरुष के रूप में, कि साथ में रहे पड़े हैं, साथ में सोए पड़े हैं, फिर भी कर्म इंद्रियों पर
विजय है, वो कर्मेंद्रियां ढलकने वाली नहीं है। इसलिए शंकर को क्या कहते हैं? अमोघ वीर्य। तो कर्म कांडों का ये युद्ध है। सन्यासी अपनी बात बताते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बनाएंगे? सन्यासी बनाएंगे। अरे भाई घर घाट छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ, बाप बेहद का बाप आकर के बेहद की बातें बताते हैं। वो सन्यासियों की पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, गृहस्थियों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो गृहस्थ है जन्म जन्मांतर गृहस्थी में रहते रहते अपन को गिरिहस्थी समझते आए हैं, उनमें कोई अहंकार नहीं है। और सन्यासियों में तो अहंकार रहता है, हम पवित्र हैं। तो अहंकारियों को भगवान भी माफ नहीं करता। जो निरहंकारी रह करके जीवन बिता रहे हैं गृहस्थी, उन गिरी हस्ती वालों को ऊंचे से ऊंची हस्ती वाला देवता बनाना ये शिव बाप का काम है। तो बताते हैं क्या करना है, इंद्रियों पर जीत पानी है। ब्रह्मा कुमारियों में सल दूरबाज खुशबाज होकर के नहीं, घर घाट छोड़ करके क्या इंद्रियों पर विजय हो जाएगी? इंद्रियों पर जीत पाने के लिए क्या दीवालों में अभ्यास करेंगे? है दीवाल के साथ अभ्यास करेंगे उसे विजय हो जाएगी? नहीं। तो बाप बताते हैं बच्चे काम जीते जगत जीत, क्या काम इंद्रिय को जीत लो। डकैतों के गैंग में से मुखिया डकैत को कब्जे में कर लो तो सारा गैंग अपने आप कब्जे में आ जाएगा। तो ये कर्म कांडों की बात है बाबा। ये कंचन काया बनना ऐसे करने का है, ऐसे ही कंचन काया बनेगी। कर्म इंद्रियों पर जीत पाएंगे तो कंचन काया बनेगी। कर्म इंद्रियों पर जीत नहीं पाएंगे तो कंचन काया बनने वाली नहीं है। और बोझ देने के समय में हैं, बोझ देने के समय में पवित्रता के लिए बोलना नहीं बोलना। पढ़ाने वाला जो टीचर है वो वही पढ़ाई पढ़ाए जो पढ़ाई खुद धारण कर सके है। धारण कर ली है, पवित्रता की पढ़ाई पूरी हो गई। कोई पढ़ाने वाले की पवित्रता की पढ़ाई पूरी हो गई है? सब अंदर से जानते हैं हम क्या हैं। अपना चेहरा अपने दिल दर्पण में दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है। आप गुरुजी बैंगन खाएं दूसरे को तरकीब सिखाएं तो दूसरा मानेगा है? बिल्कुल नहीं मानेगा। ऐसे ही है, जो भी नया जिज्ञासु आता है उसको पवित्रता की पहले पहले बात रखनी ठीक है या अनुचित है? हैं? क्या है? अनुचित है। पहले पहले क्या करना है? बाप का परिचय देना है। क्या बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में है? क्या सिखाने वाला, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला, जो उस दुनिया के मनुष्यों के बीच में जरूर जास्ती से जास्ती परसेंटेज में
कर्म इंद्रियों को कैसा करने वाला, कंट्रोल में करने वाला पार्ट है। क्या एक होते हैं हद के गृहस्थी और बाप कैसा गृहस्थी है, बेहद का गृहस्थी है। बेहद का गृहस्थी होते हुए भी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला है या सिंकिया पहले बार बन जाएगा, कंट्रोल करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है, संयमी होगा, कंट्रोल करने वाला होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, वीर्यवान कहा जाता है उसे, प्रतापी कहते हैं या नहीं कहते हैं, कहते हैं। प्रतापी वही हो सकता है जो पुरुषार्थ करने में प्रबल हो। पुरुषार्थ करने में प्रबल नहीं है तो क्या होगा, मन भी चंचल बनेगा और तन की इंद्रियां भी चंचल होती जाएंगी, नीचे गिराती जाएंगी। और चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं? है 14 कलाएं होती हैं। चंद्रमा 16 कला संपूर्ण कहा जाता है और 16 कला हीन कहा जाता है। तो उसकी रोशनी घटती बढ़ती है, उसकी रोशनी का मेजरमेंट कला है या कोई नाचने की कला, कोई संगीत कला, ये अलग अलग कलाओं के नाम है, हैं? आत्मा की कला का मतलब क्या है, हैं? जो दुनिया में कलाओं का अर्थ लगाते हैं वो है, या आत्मा की शक्ति का नाम है कला, आत्मा की मेजरमेंट का नाम है कला। और पहले बाप का परिचय देना, माना कौन सा बाप, दो बाप है ना, बिंदी का कैसे परिचय देंगे, बिंदी का क्या परिचय देंगे, बिंदी का परिचय दो। अच्छा बोलो, परिचय भी दो और प्रूफ भी दो, क्योंकि बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के मानते नहीं। तो बिंदी का परिचय दो, देंगे वो बिंदी जब तक साकार में इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में आकर के पार्ट न बजाए, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा पार्ट न बजाए, तब तक उसका परिचय नहीं दिया जा सकता। लेकिन बाबा एक वार्तालाप ने आपने समझाया, और प्रजापिता में शिव बाप का प्रवेश का प्रूफ नहीं है, प्रजापिता में प्रवेश का प्रूफ नहीं है, नहीं है भाई, मुरलियों में प्रूफ नहीं है। आपने समझाया बाबा एक बार, हमने समझाया, अरे कृष्ण में प्रवेशता का प्रूफ नहीं है, राम वाली आत्मा तो प्रवेश का विधेयर प्रूफ है। एक वार्तालाप में ऐसा समझाया बाबा, तुमने झूठ पढ़ लिया, झूठ सुन लिया। उस दिन से मैं बहुत कंफ्यूज में हुआ। और कंफ्यूजन को आपस में मिलकर के सेट करो, कोई ने नहीं ऐसा सुना होगा कि राम वाली आत्मा के प्रूफ नहीं मिलते हैं और कृष्ण वाली आत्मा के प्रूफ मिलते हैं। ब्रह्मा में शिव प्रवेश किया, इसका कोई प्रूफ है, नहीं है। और राम वाली आत्मा जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, जिस प्रत्यक्षता वर्ष से वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है, तो गीता के महावाक्यों के आधार पर प्रत्यक्ष होती है या अपने आप प्रत्यक्ष होती है, गीता के महावाक्यों से प्रत्यक्ष होती है।
माता ही बाप को प्रत्यक्ष करती है। बच्चों को बाप का परिचय कौन देता है? तो ये गीता माता है, मुरली ब्रह्मा के मुख से निकली, उसे बाप का परिचय मिलता है। और बाबा आज का क्लास में आपने समझाया देवता का पढ़ाई, देवदेव महादेव समझाते, महादेव माना शंकर है, शंकर माना तीन आत्माओं का मेल है, उसमें ये समझाना किस आत्मा का करिश्मा है? शिव का। तो शिव समझाते बोलना है, शिव का काम है पढ़ाई पढ़ाना, टीचर का काम किसका है? शिव का। यहाँ बाप टीचर है सदगुरु एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, एक आत्मा है, जो हमारा बेहद का बाप भी है, हमारा व्याख्या देने वाला टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। राम की आत्मा तो नहीं है, कृष्ण की आत्मा तो नहीं है, और पंजाब में आत्मा जुड़े होते ना बाबा है, वो बात आपको भी लागू होते क्या? क्या पंजाब में आत्मा जड़ होते ना बाबा? अरे जहाँ बोलना और चालना हलन चलन है ही नहीं, कोई आवाज है ही नहीं, उसको जड़ कहेंगे या चैतन्य कहेंगे? मुरली में ही बोल दिया महावाक्य, मेरा प्रश्न ये, बोलते और चालते को चैतन्य कहा जाता है आपको बाबा? तो परम धाम में बोलता चालता होता है? नहीं। तो फिर आपको 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 एक आपको क्या, सारे ही आपको? आपको माना आत्मा का बाप शिव को, शिव को भी वही लागू है। शिव आत्माओं का जो बाप है जब तक परम धाम में है वो जड़वत है, हम आत्माएं भी जब तक परम धाम में है जड़वत है, इस सृष्टि पर आती है तो चैतन्य है। हाँ बाबा ये बसल है, प्रसन्न चित्त रहना है, प्रसन्न चित्त नहीं रहना है, हाँ? इसके अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है वो निश्चय है, निश्चय होता है तो प्रसन्न चित्त नहीं बनता है, नहीं बनता है। हाँ, तो प्रसन्न चित्त का मतलब ये है कि बाप ने बोला है किस फकुर में रहो, कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, अरे पर की शान में हूं या स्व आत्मा की शान में हूं है? हाँ तो आत्म स्थिति की शान में है तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, और पर की शान में है तो पर तो प्रकृति है, पर माया है, पर रावण है, उसकी शान में रहना है या बाप की शान में रहना है? आत्मा की शान में रहना है। कितना फखुर होता है, कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं, हम रघुवंशी हैं, हम फलाना वंशी हैं, हमारे वंश में ऐसा कभी नहीं हुआ, हम भी नहीं होने देंगे, फकुर रहता है ना। तो हम कौन से वंशी हैं? हैं? हम ज्ञान सूर्य वंशी हैं, ज्ञान सूर्य से बहे, तो जो उसमें खून है संकल्पों का, वही संकल्पों का खून इसके अंदर होना चाहिए, हम आत्मा के अंदर होना चाहिए, तो हम आत्मा की शान में है, नहीं तो परेशान है, पर की शान में है। और बाबा आत्मा जब परम धाम से पहली बार सृष्टि पे आई होगी, शरीर कैसे धारण करी होगी पहली बार? जो भी आत्माएं आती हैं परम धाम से,
उनका चोला यहाँ होता है या नहीं होता है? लेकिन वो चोला कैसे आया बाबा पहले? गर्भ में जो बच्चा तैयार होता है वो पहले जड़ होता है या उसमें आत्मा होती है? ऐसे ही है। पहले प्रकृति जो है, पांच तत्वों का संघात प्रकृति, पहले चोला तैयार करती है, बाद में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। लेकिन वो चोला कैसे तैयार होता है? अरे अरे ये भी बात पूछने की है कि हर माता के अंदर चोला कैसे तैयार होता है? बाबा माता भी तो पहले शरीरधारी थी ना। क्यों लक्ष्मी शरीरधारी नहीं होगी? अरे लक्ष्मी और नारायण जो नर से नारायण बनते हैं वो सतयुग में शरीरधारी होंगे या नहीं होंगे? होंगे बाबा, लेकिन वो शरीर कहाँ से आया होगा वो मेरा फर्स्ट टाइम ड्रामा। अरे यहाँ माताओं के अंदर शरीर कहाँ से आ जाता है? दो का मेल होता है, सतयुग में मेल होने की परंपरा अलग है, वो आंखों से मेल होता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख लो, राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं। वो नेत्रों के वाइब्रेशन से संतान पैदा होती है। उनका नेत्रों का आकर्षण इतना तीखा है कि संतान प्रवेश हो जाती है, आत्मा परमधाम से आकर के चोला तैयार कर लेती है, पहले ही चोला तैयार है। जैसे इस दुनिया में मनुष्य शरीर बाद में छोड़ता है और चोला उसका पहले ही तैयार हो जाता है। ये कुदरती खेल है। फिर अपन मेल फीमेल बनेंगे करके अपन चूज कर लेते, नहीं तो अंतमते सुगते। आप जैसा संकल्प करेंगे सारे जीवन में अंत में वही संकल्प सामने आ जाएगा। पुरुष मुसलमान लोग कहते हैं हम समाधि करने से फिर कभी हम ये शरीर लेना बोले तो हम आके जो है उस शरीर में प्रवेश होके हम आते बोल के वो लोग समझते हैं, क्योंकि संगठन लोगों का बहुत संगठन होता है ना, तो वो लोग पहले समझते हैं हम वही शरीर को धारण करता है इसलिए हम लोग समाधि कर लेते हैं, वो नहीं होता है। कैसे वो तो सट जाता है? हाँ ऐसे ही उठ के उसमें से आत्मा प्रवेश करके वही शरीर को धारण करके उठते उठ के बोलता है वो लोग जाता है ना, तो जाता है। जब तक रहता है, क्या कह रहे हैं? वही शरीर में प्रवेश कर लेती है। कौन? वो आत्मा जो शरीर छोड़े। कौन से शरीर में प्रवेश कर लेती है? वो जो जमीन में गाड़ दिया ना, जमीन में तो शरीर को गाड़ दिया। हाँ वही शरीर में जो आत्मा प्रवेश जो गाड़ देते हैं वो सड़ जाता है कि रह जाता है? वो तो सड़ जाता है। और बाबा है किसी का प्रश्न है बाबा, दुनिया में अमीर और गरीब में अंतर बढ़ रहा है? दुनिया में है अमीर और गरीबी में अंतर बढ़ रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पर बेहद में कैसे है? बेहद में कैसे? बेहद में भी ऐसे ही है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञान के साहूकार हैं आठ, वो ज्यादा ज्ञानी होते जा रहे हैं या ज्ञानी बनते जा रहे हैं? है गीता में भी वही बात लिखी है, यज्ञात भवते पर्जन्यो, यज्ञ माने सेवा, ईश्वरी की जो सेवा की जाती है ईश्वरीय सेवा वो यज्ञ है। तो जितनी सेवा करेंगे उतना मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा और मन के अंदर ज्ञान की बरसात पर्जन्य बरसात होती रहेगी। तो जो आठ है जब से ज्ञान में आते हैं
उनकी ये पहचान है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो देह के संबंधियों से उनका लेन देन नहीं होगा, तन के सुखों का भी लेन देन नहीं होगा, धन के सुखों का भी लेन देन नहीं होगा, और मन के संकल्प भी उनके प्रति नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? कहां जाएंगे फिर? ईश्वरीय सेवा में जाते हैं। तो बाप देखते हैं कि ये बच्चे बड़े सर्वसिबुल हैं, तो बाप उन बच्चों को याद करता है, और बाप की याद की पावर जिन बच्चों को मिलेगी उनका योग बल तीखा बनेगा या नहीं बनेगा? हैं? तो साहूकार साहूकार होते जाते हैं और गरीब गरीब बनते जाते हैं। और अभी बाबा शुद्ध संकल्प आते हैं, अशुद्ध संकल्प आते हैं। 2018 से बंद है ना? है? 2018 से बंद हो जाएंगे। अशुद्ध संकल्प बंद है ना? आपके बंद हो जाएंगे। प्रत्यक्ष है ना? है? 18 से प्रत्यक्ष है ना बाबा? हाँ, तो आपके संकल्प बंद हो जाएंगे। अभी नहीं बाबा, 18 के बाद बंद हो जाएंगे। पक्का निश्चय कि आप ही 100% पास होने वाले हैं? अरे भाई, होगा तो नंबर वार होगा कि एक ही घड़ी में सबका होगा 500 करोड़ का। पुरुषार्थ के अनुसार ही होगा ना, जिनका जिनका पुरुषार्थ पूरा होता जाएगा, पुरुषार्थ में संपन्न बनते जाएंगे, वही उस स्थिति का अनुभव करेंगे कि सब एक साथ अनुभव करेंगे। करेंगे नहीं? अगर करा किया होता, एक साथ अनुभव किया होता, तो बाप को 40 और 50 दो अंक बोलने की क्या जरूरत है? तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। ये 10 साल का अंतराल तुम बच्चों के लिए क्यों बोला? इसीलिए बोला कि तुम जिनको कहा है वो 9 लाख बच्चे हैं, उनमें आधे हैं शरीर वाले और आधे हैं उन शरीरों में प्रवेश करने वाले। दोनों प्रकार की आत्माएं, उनका टाइम क्या निदा हुआ संपन्न बनने का? है 40 से 50 वर्ष। उनकी संपूर्णता जब होगी, बीज रूप आत्माओं की संपूर्णता होगी, उनके आधार मूर्तों की संपन्नता होगी, जैसे दुनिया में आधार धरणी है और उसमें बीज डाला जाता है तभी तो फसल आती है। बीज अलग रहे, धरणी अलग रहे, तो फसल आ जाएगी। तो ये बीज रूप आत्माएं हैं 4.5 लाख रुद्रमाला के बड़के, और वो विजयमाला की आत्माएं हैं 4.5 लाख आधार मुहूर्त, धारणा मुहूर्त, धरणी, धरणी माने धारणा करने वाली, वो बीज को धारण करती हैं, तब फसल तैयार होती है। कलयुग के अंत में 500-700 करोड़ की फसल हो जाती है। सतयुग के आदि में थोड़ी और कलयुग के अंत में जास्ती। अभी यूरिया निकली है, ज्यादा दाने पैदा होते हैं या कम दाने पैदा होते हैं? ज्यादा दाने पैदा होते हैं। उसका नाम है यूरिया। यूरिन माने? यूरिन माने क्या? यूरिन माने पेशाब की औलाद।
तो जितना ज्यादा संसार में ये मूत की पैदाइश व्यभिचारी पैदाइश बढ़ती जाएगी उतना पैदाइश भी जास्ती हो जाएगी। और जास्ती पैदाइश होगी, जैसे खेतों में आलू डालते हैं, यूरिया डाल देते हैं, ढेर का ढेर आलू पैदा हो जाता है। पहले इतना आलू पैदा नहीं होता था, अब वो ढेर का ढेर जो आलू पैदा होता है उसके अंदर यूरिया का अंश रहता है या नहीं रहता है? अंदर से आलू काला काला हो जाता है नहीं हो जाता है। तो ऐसे ही है, वो 500-700 करोड़ की जो जेंट्री है, फसल है, वो विकृत होती है या सही सलामत होती है? हैं? विकारी होती है, दुखदाई होती है। यही नियम है सृष्टि का। धरणी खराब होती जाती है, धरणी भी खराब हो जाती है। एक कोर्स लेने के लिए आते हैं, उन लोगों को खान पान के बारे में बताने का है? नहीं, खान पान के बारे में बताओ, अन्न दोष और संग दोष तो जरूर लगता है। एक भगवान है जिसको न संग दोष लगता है और न अन्न दोष लगता है। बाकी दुनिया में जितनी मनुष्य आत्माएं हैं उनको संग दोष जरूर लगता है और अन्न दोष भी जरूर लगता है। तो उनको समझाओ ये सात्विक आहार के लिए है, ये वेजिटेरियन फूड के लिए। अरे जानवरों का खून पियोगे तो जानवर बुद्धि बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। जो आदमी जिंदगी भर भैंस का दूध पीता रहो और दूसरा आदमी गाय का दूध पीता रहो तो कौन से परिवार की बुद्धि शुद्ध होगी? गाय। गाय सात्विक प्राणी है। तो अन्न दोष लगता है या नहीं लगता है समझाना है बाबा। मुरली में बोला है ना, आलू दाल भात और आलू खा सकते हैं। हाँ, आलू में पूरा। ये तो नहीं बोला यूरिया वाला आलू। तो अभी मिलने वाला है, हैं? अभी मिल रहा है वो यूरिया का। ऑर्गेनिक पैदा करो। इनमें बहुत से लोग हैं जिनके घर में खेत हैं। बाबा ने बोला यूरिया डालो? हैं? नहीं बोला ना। आदत हो गई तो आदत को धीरे धीरे सुधारोगे ना? नहीं सुधारोगे? सुधारो, टाइम लगेगा, भले लगने दो। यूरिया वाली खेती को एकदम तुम चाहो कि उसको ऑर्गेनिक बना दें एक ही साल में, नहीं बनेगी। अभ्यास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है? हाँ जी, और बाबा मामा 40-50 साल तक नौला की पुस्तक कंप्लीट हो जाए। हाँ, जब राजाएं संपन्न बनेंगे तो प्रजा संपन्न नहीं बनेगी, बिना प्रजा के राजाएं हो जाएंगे। नौला की पूरी कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, अगर उनका ही पूरा नहीं होगा तो दूसरे धर्म वालों का कब होगा? 40-50 साल। 10 ही साल तो बताए। 2028 में 9 लाख संपन्न हो जाएंगे। राजधानी पूरी स्थापन होनी है या अधूरी राजधानी स्थापन होनी है? पूरी राजधानी स्थापन होगी। पूरी स्थापन हुए तो विनाश भी है, तो पूरा विनाश भी शुरू हो जाएगा। और 10 साल बचेगा। अधूरी राजधानी स्थापन होगी तो अधूरा विनाश। लेकिन संगमी का 10 साल और समय है। 40-50 साल माना तो 2026 में खत्म होता, 26-28 तक खत्म होता, उसके बाद और 8-10 साल होते ना। वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्थापना होगी या और धर्मों की स्थापना होगी? और धर्मों की शूटिंग होगी या देवी देवता सनातन धर्म की शूटिंग होगी? है? तो उनको चांस नहीं देंगे? राजधानी स्थापन होने के बाद विनाश होते हैं बोलते हैं। विनाश होता है?
है। ऊपर से जो भी आत्माएं नीचे प्रवेश होती है वो देवी देवता धर्म वाली आत्माओं में ही प्रवेश होती है। हाँ? तो अभी जो बाहर लौकिक में स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो भी स्पोर्ट्स में चल रहे हैं, जो जिसका मान मर्तबा ज्यादा है, हाँ? उनमें नया सोल प्रवेश हुआ रहेगा ना। हाँ? तो क्या वो सब देवी देवता धर्म के होंगे? बिल्कुल। जैसे अभी जो भी फिल्म एक्टर्स है, फिल्म एक्टर्स जो भी है, कोई भी हो, अचानक उनका मान मर्तबा बढ़ जाता है तो इसे साबित होता है कि नई सोल ने प्रवेश कर लिया। तो वो 33 और वो सोल चली जाती है तो उसका मान मर्तबा खत्म होने लगता है। तो अभी अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, क्या अमिताभ बच्चन, हाँ अमिताभ बच्चन, हाँ देवी के, हाँ नहीं है वो सोल ऊपर से आती नहीं है, वो पाठ बजाती है, ज्ञान में नहीं है ना, हैं ज्ञान में नहीं है। ओहो, महात्मा गांधी की सोल आई हैं के पहले ही महात्मा गांधी हो गए थे, जन्म लेते ही महात्मा गांधी शोहरत में आ गए, आ गए नहीं आए, सोल आई तो शोहरत में आ गए। नरेंद्र, विवेकानंद पहले ही शोहरत में आ गए क्या? हैं? सोल ने प्रवेश किया ऊपर से प्रवेश कर, हाँ जी ऊपर से, और क्या पाताल के अंदर से आएगी। और बाबा किसी और का प्रश्न है, हाँ? बाबा सर्विस करने के लिए कहते हैं ना, हाँ? गांव में जाके इंडोरा करके सर्विस करें, हाँ? या एक जगह बुलाए सबको ऐसे सर्विस करें, इस पर समझाना, ऐसे कह रहे हो। ब्राह्मणों की दुनिया में गांवड़े कौन से हैं और बड़े बड़े शहर कौन से हैं? बाबा ने गांवड़ों की सेवा के लिए ज्यादा जोर दिया या बड़े बड़े शहरों की सेवा के लिए जोर दिया? तो गीता पाठशालाएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया के छोटे छोटे गांव, करके देख लो, बड़े बड़े सेंटरों में, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, वो हमारी बात सुनेंगे या दुत्कार देंगे? और छोटी छोटी गीता पाठशालाओं में, छोटे छोटे गांवों में चले जाओ, वो हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन बाबा बीके में तो गीता पाठशालाएं नहीं है ना? पहले थी ना कभी, वो गीता पाठशालाएं अभी भी एडवांस की गीता पाठशालाएं कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप कह रहे नहीं है, हैं तब तो कन्वर्ट हो रही है। बहुत सी गीता पाठशालाएं बेसिक की ऐसी हैं, पूरी की पूरी गीता पाठशालाएं कन्वर्ट होकर के एडवांस में आ गई। अब ब्रह्मा कुमारियां उनके गीता पाठशाला में जाकर के अपने चित्र उठा के ले जाती है, गीता पाठशाला बंद। ओम शांति।